नमस्कार, लखनऊ वेदर रिपोर्ट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। यदि आप सिर्फ मौसम की जानकारी में रुचि रखते हैं तो हमारे लखनऊ वेदर रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें, ताकि हम आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी दे सकें। तो आइए जानते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। लखनऊ वेदर आप सभी किसान भाइयों के लिए कामना करता है कि आपके जिले में मॉनसून का प्रदर्शन अच्छा रहे। तो आइए अब देखते हैं 15 और 16 अगस्त को भारतीय मौसम विभाग के अनुसार कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है जानकारी। उत्तर प्रदेश के मध्य भागों में तथा पूर्वी हिस्सों में भी मॉनसून के सक्रिय रहने की संभावना है, लेकिन बीते दिनों के मुकाबले कुछ सुस्ती बनी रहेगी और मॉनसून कमजोर हुआ है। इसके बावजूद यहां पर बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। मिर्जापुर, प्रयागराज, कानपुर, चित्रकूट, बांदा, बहराइच, बस्ती, साथी अयोध्या, सुल्तानपुर, गोरखपुर, इन सभी जिलों में कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। लखनऊ व बरेली सहित 13 जिलों में बारिश का अनुमान। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार मध्य उत्तर प्रदेश और रोहिलखंड के कई जिलों में बारिश होगी। उत्तर प्रदेश में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने ताजा अनुमान जारी कर दिया है। इसके अनुसार शनिवार 15 अगस्त को सुबह करीब 11 बजे तक लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार इन जिलों में लखनऊ के अलावा बाराबंकी, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, रायबरेली, कन्नौज, अयोध्या और आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। मौसम विभाग के अनुसार सुबह मध्य उत्तर प्रदेश के अलावा रुहेलखंड के कई जिलों व उसके आसपास के क्षेत्रों में बारिश का अनुमान है। बता दें, जन्माष्टमी से लगातार बारिश का सिलसिला प्रदेश में जारी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक के लगभग सभी जिलों में बारिश दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा बारिश प्रयागराज में 31 मिलीमीटर दर्ज की गई है। पूरे बुंदेलखंड में भी अच्छी बारिश हुई है। झांसी, उरई और हमीरपुर में भी बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा आगरा और अलीगढ़ में बारिश दर्ज की गई। कानपुर, इटावा, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बांदा, सुल्तानपुर, रायबरेली और हरदोई में भी बारिश दर्ज की गई है। अच्छी बात यह रही कि तराई और पूर्वांचल के उन जिलों में ज्यादा बारिश नहीं दर्ज की गई है, जो पहले से ही बाढ़ के हालात झेल रहे हैं। बारिश में आई कमी से बाढ़ के हालात में धीरे धीरे सुधार होने की संभावना है। 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में इन जिलों में ज्यादा बारिश नहीं हुई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2-3 दिनों में भी भारी बारिश की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में इन जिलों के लिए राहत मिल सकती है। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल व जानकारी। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें, ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।